प्रिय जिज्ञासुओं, आज हम जिस विषय को यहां पर चर्चा करने बैठे हैं वह विषय है पुनर्जन्म का। कुछ जिज्ञासु भाइयों ने प्रश्न किया कि पुनर्जन्म क्या है। पुनर्जन्म किसे कहते हैं और ये होता है नहीं होता है, इसको लेकर कई प्रश्न है लोगों के। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम यहां बैठे हुए हैं और इस विषय पर बताए जाएंगे जो तथ्य हैं। तो पुनर्जन्म की जो मान्यता है वो विशेष करके आप देखें तो भारत के अंदर ज्यादा है, जिन्हें हम सनातन धर्मियों में हिंदू धर्मावलंबियों के अंदर जो है ये पुनर्जन्म की मान्यता ज्यादा है कि पुनर्जन्म होता है। और ये शरीर त्यागने के बाद जो आत्मा है वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, जैसे कि व्यक्ति पुराने शरीर पुराने वस्त्रों का त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इसको लिखते हैं और कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि देहानि नरो प्राणि, कि जिस प्रकार से वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो उनको त्याग दिया जाता है और फिर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा पुराने देह का त्याग कर वह देह जो अब उपयोग के योग्य नहीं है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, उस शरीर को छोड़कर वो नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये पुनर्जन्म का विषय है। तो इसका क्या आधार है, किस आधार पर ऐसी बात कही जाती है, क्या यह बातें बस ऐसी एक मान्यता है कि भाई हाँ मान लिया गया है कि भाई पुनर्जन्म होता है, कि हमने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर हमने धारण कर लिया तो हमारा पुनर्जन्म हो गया, क्या ये मान्यता भारत के अंदर या पूरे विश्व में है? तो धर्म के आधार पर कई बार हर जगह नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि भाई इसी मान्यता को किसी ना किसी दूसरे रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं किया जाता। हाँ, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि भाई जहां पर पुनर्जन्म की मान्यता ना मानी जा रही हो, बिल्कुल ना मानी जा रही हो, लेकिन किसी ना किसी रूप में जो धर्म जो आपके पूरे विश्व में जितने भी धार्मिक मत हैं, जितने भी धार्मिक मत हैं, चाहे वो ईसाई का मत हो, इस्लाम का मत हो या अन्य मत भी हैं कई, तो उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है कि इस शरीर के भीतर एक शक्ति है, एक जीवात्मा है, इस शरीर के भीतर एक जीवात्मा है और वो इस शरीर को छोड़ती है और फिर जो है वो जो है दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो क्या मत है, किस प्रकार से है, हिंदू धर्म के भीतर ही उसी में कैसे मत है, क्या बातें हैं, उसको हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे, समझने का हम उस पर प्रयास करेंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो यही गंभीर विषय है और इसको लेकर कई बातें, कई विवाद, कई तर्क लोग आपस में करते हैं, लेकिन है क्या चीज ये जानना जरूरी है और इसी को लेकर हम आज यहां पर उपस्थित हुए हैं कि पुनर्जन्म क्या है और पुनर्जन्म कैसे होता है और उसकी मान्यता है या वास्तव में होता है। अगर मान्यता है तो किस आधार पर है? अगर हिंदू धर्म में भारत के अंदर अगर लोग मानते हैं पुनर्जन्म को, वैसे इस भूमि से, भारत भूमि से जितने भी आपके धर्म उठे हैं, जितने भी मत उठे हैं, धर्म तो एक ही होता है, थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों का फेर है। अगर आप शब्दों को समझेंगे, धर्म की परिभाषा को समझेंगे तो धर्म क्या है वो समझ में आएगा। धर्म कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई मान्यता है, वो मानने का विषय है, वो तो जानने का विषय है। इसलिए कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कि रिलीजन इज वन, सेक्ट्स आर मैनी, संप्रदाय बहुत सारे होते हैं, धर्म तो एक ही होता है। तो वह है सनातन धर्म, जो कि सनातन जिसको कहा गया, ये सनातन भी कोई नाम नहीं है, सनातन भी उसकी भी अपनी एक परिभाषा है, उसका भी अपना एक अर्थ है, जिसके कारण उसको सनातन कहते हैं, सनातन कहने के पीछे भी कारण है। तो पुनर्जन्म हमारा विषय पुनर्जन्म का है, तो पुनर्जन्म की मान्यता भारतवासियों में, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में विशेष करके पाई जाती है।
और इस भारत भूमि से जो मत उठे, जो दर्शन उठा, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, या हम आज के समय में हम लोग सिख धर्म को भी सिख धर्म के रूप में कहते हैं कि भाई वो एक अलग है, तो वहां पर भी जिन ग्रंथों को वहां पर लिखा गया, जिन ग्रंथों को आधार बना गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, दशम ग्रंथ हो गया, उनमें भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने की बातें आती हैं, 84 लाख योनियों में भटकने की बातें आती हैं। यद्यपि वेदों के अंदर और वेद सम्मत जो ग्रंथ हैं, जो वेदों के सार, जैसे कि वेदांत हो गए, उपनिषद हो गए, और आपके पुराण हो गए, फिर श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से निकाला गया, ये भी अपने आप में उपनिषद है, और 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन है, उसके अंदर वेदांत है, न्याय है, मीमांसा है, वैशेषिकी है, तो ये 6 दर्शन हो गए। तो इनके अंदर जो है पुनर्जन्म की बातों को स्वीकृति दी जाती है। तो इन दर्शन से प्रभावित जो भी आसपास जो हुए, जिनको बौद्ध धर्म आया, तो उसको स्पिरिचुअल एथेइज्म भी कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगर आप दर्शन शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो बौद्ध मत को हेटरोडॉक्स सिस्टम में रखा जाता है, और जो उपनिषद है उनको ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में रखा जाता है, लेकिन एक समानता है, भारत भूमि से उठे हुए जितने भी ये मत हैं, चाहे वो बौद्ध मत हो, जैन मत हो, सिख मत हो, उन सब में पुनर्जन्म की अवधारणा समान रूप से स्वीकृति उसको दी जाती है, वो स्वीकार्य है, उसे स्वीकार किया जाता है। तो ये आप विशेष करके मान लें कि भारत भूमि से उठे हुए जितने भी मत हैं, उन सब में पुनर्जन्म की मान्यता है। बाहर जो भारत भूमि से अलग है, जिन जो सनातन की शाखा नहीं है, बौद्ध मत चाहे जैन मत का भी हम नाम लेंगे तो एक उसी वही एक शाखा है, उसका वो जड़े वहीं पर है। अगर बौद्ध दर्शन की जड़ों को आप ढूंढेंगे तो उपनिषदों में आपकी जड़े मिल जाएंगी, उसकी सांख्य दर्शन में उसकी जड़े आपको मिल जाएंगी, वहां से निकली हुई। कभी सांख्य फिलॉसफी को आप पढ़ें, सांख्य दर्शन को पढ़ें, आपको बौद्ध दर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बौद्ध दर्शन का आधार क्या था। आप भगवान बुद्ध जो बातें लेकर आए, जो विचारधारा लेकर आए, उसका आधार सांख्य दर्शन था। आप ये अध्ययन का विषय है, हम पढ़ें, और अनुसंधान का विषय है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सब में पुनर्जन्म की मान्यता जो है वो समान रूप से है, सब पुनर्जन्म को मानते हैं, तो इसका आधार क्या है, किस आधार पर, समझना पड़ेगा कि मनुष्य क्या है। ये जो हमारा शरीर है, हमारा जो व्यक्तित्व है, क्या ये मात्र शरीर है? ये मात्र शरीर नहीं है, इस व्यक्तित्व के भी 3 भाग हैं, 3 इसके अंदर चीजें हैं, इसके 3 परतें हैं। एक तो हमारा स्थूल शरीर हो गया, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर है। इसलिए तुलसीदास जी ने एक बात लिखी रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। चेतन अमल सहज सुख राशि, वह जीव सुख की राशि है। तो जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है वह जीव और अविनाशी है। तो फिर जीव अविनाशी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जीव की मृत्यु नहीं होती, वो कभी मरता नहीं है क्योंकि वो तो अविनाशी है। तो मरता कौन है? वो मात्र शरीर है, वह मात्र शरीर है जो कि वस्त्र, जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी व्याख्या करते हैं कि यह आत्मा शरीर छोड़कर जैसे पुराने वस्त्रों का हम त्याग करते हैं, वैसे ही पुराने शरीर का त्याग कर देते। अब हम भी ऐसा नहीं कि हम वस्त्र त्यागते हैं तो पुराने होने पर ही त्यागते हैं। मान लीजिए कि हमारे वस्त्र नए ही हैं लेकिन किसी कारण से फट गए, खराब हो गए, तो हमने उसे सिलवा लिया, नहीं सिलवा पाए हम, इतना ज्यादा फट गया और बार बार फट गया कि अब उसको सिलवाना जायज नहीं लगता, उचित नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं कि उन वस्त्रों को छोड़ देते हैं और नूतन वस्त्र, नए वस्त्र हम खरीद लेते हैं बाजार से जाकर। वैसे ये जीवात्मा का कार्य करती है। यह जीवात्मा पुराना शरीर, या तो शरीर पुराना हो गया हो, जैसे कि आदमी जन्म लेता है, फिर तरुण अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। जब वृद्धावस्था पार करने लग जाता है तो ये शरीर पुराना हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और एक प्राकृतिक नियम के तहत जीवात्मा जो है देह का त्याग करती है और नूतन देह धारण करती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन पुराना होने के बजाय इस शरीर में कोई खराबी आ जाए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वस्त्र फट जाए किसी कारण से, पुराना तो नहीं हुआ, अभी ज्यादा दिन खरीदे नहीं हुए थे, ज्यादा दिन पहने नहीं हुए थे, लेकिन फट गया, तो आपने उसे सिलवा लिया, रिपेयर करवा लिया,
अगर ज्यादा फट गया, सिलने लायक भी नहीं बचा, तो फिर आप उसे त्याग देते हैं। उसी प्रकार से अगर इस शरीर का कुछ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर अब वो शरीर उपयोग के योग्य नहीं रह गया उस जीवात्मा के लिए, तो जीवात्मा उस देह का त्याग कर देती है। और उस देह का त्याग कर जीवात्मा फिर नया देह धारण कर फिर से कर्म करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पुराने फटे वस्त्रों का हम त्याग करते हैं और नूतन वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर, नवीन शरीर धारण कर लिया करती है। तो ये पुनर्जन्म की धारणा इस बात पर आधारित है। अब ये कैसे करती है? अब कुछ लोग कहते हैं कि अनेक योनियों में जाने की बातें भी आते हैं, 84 लाख योनियों की, तो 84 लाख योनियों की चर्चा जो है नवीन आधुनिक युग में कई संत हुए उनकी वाणियों में मिलती है, लेकिन उपनिषदों के अंदर ये सनातन धर्म आधारित ग्रंथों में 84 लाख शब्द का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कई योनियों में जाने की बातें तो अवश्य आती हैं कि भाई एक जीवात्मा ने कई योनियों में वो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर राजा जड़ भरत की कथा आती है, उनके बारे में आता है कि वो कई मनुष्य से फिर हिरण के योनि में गए, फिर मनुष्य बने, उसके बाद फिर मनुष्य बने। तो इस प्रकार से ऐसे उनका और साधना की, उन्होंने तपस्या की, ऐसे वर्णन आता है, कई बार जन्म लेने का वर्णन आता है। तो मनुष्य बनना, फिर दूसरी योनियों में भी प्रवेश करना, इसका आधार क्या है? ये किस आधार पर ये सारी घटनाएं घटती हैं? तो ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, इसके अंदर जो चलने वाली शक्ति है और जो चलाने वाली जो शक्ति है वो अविनाशी है। मैं बोल रहा हूं तो क्या ये मुंह बोल रहा है? नहीं, इसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, सेंट्रलाइज्ड पावर है जो सारे इंद्रियों को केंद्रित करता है एक जगह पर और वो कार्य करता है। इसलिए केन उपनिषद में लिखा गया, केनो उपनिषद के अंदर, कि ये कान नहीं सुनते, इन कानों के को सुनने वाला एक दूसरा कान है, ये आंख नहीं देखते, इन आंखों से देखने वाली एक दूसरी आंख है, ये जिह्वा नहीं बोलती, इन जिह्वा से बोलने वाली एक दूसरी जिह्वा है। और इस प्रकार से लिखते हुए अंत में कहा गया कि वह एक है, वो एक ही शक्ति है जो इन कानों से सुनती है, इन आंखों से देखती है और मुख से बोलती है। तो वह जीवात्मा की शक्ति, वह जीव है, उसी को कहा जा रहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वह जीवात्मा है, वह कर्म करने वाला है, वह देखने वाला है, वह बोलने वाला है। तो वह जीवात्मा बोल रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप इस आवाज को सुन रहे हैं, तो कौन सुन रहा है? क्या कान सुन रहा है? क्या नेत्र देख रहे हैं? नहीं, उस नेत्र के पीछे जो शक्ति है, उस कान के पीछे जो शक्ति है, जब वो यह शरीर छोड़ देती है तो वो व्यक्ति, कान तो उसके ठीक हैं, आंख भी उसके ठीक हैं, ना तो वो देखता है और ना ही वो सुनता है। तो वो शक्ति कौन सी है? क्या उसकी मृत्यु होती है? क्या वो नष्ट होता है? तो धर्म ग्रंथ शास्त्र यही कहते हैं कि वह जीव नहीं मरता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रद्यन्त्यापो न शोक्यति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि अर्जुन, उस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। वो अजर अमर है, वो अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होता। इसलिए अर्जुन, फिर भगवान ये भी अर्जुन से कहते हैं स्वयं के बारे में कि तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हुए, बहूनी मैं व्यतितानी जन्मानी तव च अर्जुन, तान्यहम वेद सर्वानी न तुम वेद परम तप। हे परम तप, बहूनी मैं व्यतितानी, तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हुए, लेकिन उन जन्मों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तान्यहम वेद सर्वानी, मैं उन सबको जानता हूं। ना त्वम वेद परम तप, हे परम तप, तुम नहीं जानते, हे अर्जुन तुम नहीं जानते। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं क्या कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम यो वेति तत्वतः। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि अर्जुन, इसको त्यागने के बाद मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन जीव इस पुनर्जन्म के चक्कर में भटकता है। वो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर त्यागने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, दूसरी योनियों में जाता है, अलग अलग शरीर धारण करता है। आधार क्या है इसका? क्या विज्ञान है?
क्या कोई नियम लागू होता है? क्या कोई नियम लागू होता है जिसके आधार पर यह घटना घटती हो कि हमने एक शरीर का त्याग किया और फिर हमने दूसरा शरीर धारण कर लिया? वो कौन सा नियम है? क्या इसके पीछे भी कोई प्रोटोकॉल सेट है कि ऐसे एक घटना घटती हो? तो इसका भी उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में देते हुए कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति त्रि संशय। कि हे अर्जुन, कि इसमें कोई संशय नहीं है कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। और यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भावितम्। कि अर्जुन, जो जो जिस भावना से, जिस इच्छा से देह का त्याग करेगा वो उस इच्छा को प्राप्त होगा, उस भाव को प्राप्त हो जाएगा, वो उसी भाव में जाकर प्रवेश कर जाएगा जिस भाव से वो देह का त्याग करेगा। और यही बात, यही सिद्धांत एक आधार है आपके पुनर्जन्म का, कि जीव ने, जीवात्मा ने इस देह को त्यागा तो वो किस देह में जाएगा? ये कोई इच्छा रैंडम नहीं है कि भाई किसी भी जाकर कहीं भी चला गया। उसके पीछे एक नियम है, बिल्कुल एक प्रोटोकॉल सेट है कि जब जीवात्मा, जब मृत्यु होगी तो वो शरीर को छोड़कर दूसरा कौन सा शरीर धारण करेगा, किस योनि में जाएगा, उसका अपना एक नियम है। वो बेनियम नहीं है, उसका कोई प्रोटोकॉल, कोई सिस्टम नहीं है। ऐसी है, ऐसी कह दिया जाता है कि भाई किस योनि में गया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई छोड़ा तो किस योनि में गया, इसका क्या प्रमाण है? तो हर चीज फिक्स है, हर चीज फिक्स है। जो जीवात्मा देह का त्याग करेगा तो वो किसी ना किसी योनि में जाएगा, तो जिस योनि में जाएगा उसका क्या नियम है? मान लीजिए किसी ने शरीर छोड़ा, ये मनुष्य जीवन, इस मनुष्य देह का त्याग किया, देह का दोबारा मनुष्य ही बन गया, दोबारा मनुष्य योनि में गया, या फिर वो भैंस की योनि में चला गया, गाय की योनि में चला गया, कुत्ता बिल्ली किसी योनि में चला गया, प्रेत योनि में चला गया, कहां चला गया, तो उसका आधार क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते यम यम वापे स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। कि जो जो जैसे जैसे जिस भाव से वो जाएगा, जिस भाव से देह का त्याग करेगा उस भाव को ही वो प्राप्त होगा, आखिरी उसकी इच्छा। कहते ना कोर्ट में जाओ भाई, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूर्ण की जाएगी। तो भगवान मरते मरते उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा पूर्ण करते, कि अंत समय में जो उसकी इच्छा होगी उस इच्छा के वशीभूत वो शरीर धारण करेगा। एक संत हुए लाहौर के अंदर, वो वहां के विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, स्वामी रामतीर्थ। वो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वो जब विदेशों में गए, अमेरिका गए, जापान गए, वहां पर तो उनको एक वैज्ञानिक मिले और पुनर्जन्म पर उनसे चर्चा हो गई कि भाई पुनर्जन्म क्या होता है। तो किसी वैज्ञानिक ने उनसे प्रश्न किया कि पुनर्जन्म मान लीजिए अगर होता है, मैं मान लेता हूं कि आपने कहा कि इसके अंदर कोई ऊर्जा है, कोई हमारे शरीर में शक्ति है, वो देह करते, वो मरती नहीं है, वो अमर है, वो उसका बिना अविनाशी है, वो इमोर्टल है, वो तो वो जो है फिर किसी योनि में जाती है, अगर किसी दूसरे शरीर में जाती है तो उसका क्या सिद्धांत? तो स्वामी रामतीर्थ गणित के वो थे, गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो उन्होंने उनको समझाते हुए कहा कि देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि एक रासायनिक प्रक्रिया होती हो, केमिकल रिएक्शन होता। एक मोमबत्ती ली, उन्होंने मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती जलाकर उस वैज्ञानिक से पूछा कि आप ये बताए कि ये मोमबत्ती है क्या, यह मोम क्या है? उसने कहा कि कैंडल वैक्स, जो कैंडल वैक्स है, कैंडल वैक्स इज हाइड्रोकार्बन, और जब हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो वो जलेगा तो हाइड्रोजन वो और कार्बन वो स्प्लिट करेगा, ऑक्सीजन से जाकर एयर में वो रिएक्ट कर देगा और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन जो है H2O वाटर बना लेगा, पानी वाष्प बना लेगा वो जलने के बाद। इसलिए मोमबत्ती जब जलती है तो कुछ राख नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो हाइड्रोकार्बन है, वो जाकर रिएक्ट कर जाता है हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ, हाइड्रोजन अलग और कार्बन अलग, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वो वाष्प बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो स्वामी रामतीर्थ ने पूछा कि एक बात बताइए कि जब इस मोमबत्ती को जलाया गया तो इस मोमबत्ती ने अपना अस्तित्व खो दिया, अपना मोमबत्ती का तो रूप उसका खत्म हो गया, लेकिन जो एनर्जी के फॉर्म में है वो तो रहेगा,
तो वो तत्व जाकर रिएक्ट कर गए, उनकी प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो गई। तो स्वामी रामतीर्थ ने वैज्ञानिक से पूछा कि हवा के अंदर तो बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जब बहुत सारे तत्व हैं तो ये मोमबत्ती का जो तत्व था हाइड्रोजन और कार्बन, उसे ऑक्सीजन के साथ ही प्रतिक्रिया करने की क्या आवश्यकता थी? वो किसी दूसरे तत्व के साथ प्रतिक्रिया कर लेता, सल्फर के साथ कर लेता, क्लोरीन के साथ कर लेता, वो ऑक्सीजन के साथ ही जाकर क्यों, उसी के साथ क्यों प्रतिक्रिया कर रहा है? तो वैज्ञानिक ने कहा कि ये तो वो जो तत्व है, एलिमेंट है, उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके वैलेंसी पर डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और वो अपने इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, जिस तत्व के साथ वो पूरा होगा उसी तत्व के साथ जाकर वो प्रतिक्रिया करेगा, दूसरे तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। वो अगर किसी के साथ जाकर जुड़ेगा तो जिससे उसकी वैलेंस लास्ट ऑर्बिट में जो जितनी आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन्स की वो पूरी होनी चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए वो उसी तत्व के पास जाएगा जिससे कि वो पूरा हो जाए। और वो उसकी जरूरत कहां से पूरी होती है? ऑक्सीजन से मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर और वाटर बनाकर उसकी जरूरत पूरी होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, दूसरा कोई आधार नहीं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही मनुष्य अपने कर्म संस्कारों के आधार पर अंत समय में जो उसकी भावनाएं बनती हैं, उस भावनाओं के आधार पर वो नूतन शरीर धारण करेगा। अब वो शरीर कुत्ते का है, बिल्ली का है, गाय का है, या मनुष्य का ही है, या प्रेत योनि में जा रहा है, ये उसके अंतिम समय की इच्छाओं, जो तीव्र इच्छा होगी, अति तीव्र इच्छा कि मुझे ये मिले, मुझे ऐसा जीवन मिले, मुझे इसीलिए कहा कि संत हुए भक्त त्रिलोचन, उन्होंने कहा कि अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बलि बलि उतरे, जिसने धन का बहुत मोह किया वो सर्प योनि में जा सकता है, जिसने पुत्र का बहुत मोह किया अंतकाल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर योनि बलि बलि उतरे, अंत समय में जो उसने तीव्र इच्छा, जो उसकी जरूरत है, जहां जाकर उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन की जरूरत ऑक्सीजन से जाकर मिलकर हो रही है, वैसे ही जहां पर इस जीवात्मा की जरूरत पूरी होगी, जिस माया में फंसा हुआ है वो, जिन इच्छाओं कामनाओं के वश में है, वो कामनाएं जहां पर पूर्ण होगी वो वहीं उसी योनि में जाएगा जहां से पूर्ण होगी। ये इसका विज्ञान है, ये प्रोटोकॉल सेट होता है, इसलिए एक नियम के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है, नियम के अनुसार ही। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसे समझने की आवश्यकता है। बाकी भी अन्य धर्मों में भी कहीं ना किसी न किसी प्रकार से इसकी मान्यता को स्वीकार, हाँ पुनर्जन्म नहीं होता हम नहीं माने, लेकिन किसी दूसरी, कोई कहता कि नहीं मरने के बाद नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा, दोजख में जाएगा, तो जाएगा कौन? अगर कोई मत यह कहता है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन इतना विश्वास करते कि मरने के बाद स्वर्ग जन्नत में जाएगा, तो कौन जाएगा भाई? ये शरीर तो जाएगा नहीं, इस शरीर के अंदर जो शक्ति है, जो जीवात्मा है, वही तो जाएगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से इस ये विचारधारा भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर देती है। तो इसलिए पुनर्जन्म ये एक बहुत ही प्रमाणिक और वैज्ञानिक तथ्य है, ये कोई मान्यता नहीं है, ये अनुभव और इस विज्ञान को समझने की जरूरत है, जानने की आवश्यकता है। तो इसको समझे, जाने, और कोई प्रश्न हो इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो है और किसी विषय पर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और इन विचारों का लाभ उठाएं। कोई जानकारी धर्म और इससे संबंधित आप प्राप्त करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।